हेलो गाइस एंड गर्ल्स, आपको पता है कि हमारे ये स्टडी प्लानर के जरिए आप अपने बिजनेस लॉ के सिलेबस का 75% कंप्लीट कर चुके हो। ये यू डिजर्व अ हाई फाइव फॉर दैट। अच्छा, अब तक हमने क्या पढ़ा? वी स्टडीड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड द पार्टनरशिप एक्ट। हमने सिर्फ स्टडी नहीं किया है, हमने साथ साथ उसको रिवाइज भी किया है। तो इस हफ्ते फिर हम कंपनीज एक्ट 2013 की शुरुआत करते हैं। सो लेट अस गो थ्रू द प्लान फॉर वीक 4। तो दोस्तों, वीक 4 में हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013। ये वीक शुरू होगा ऑन 26 अक्टूबर, सैटरडे। अच्छा, यहां पर सबसे पहले हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स रिवाइज करेंगे जो हमने प्रीवियस डे पे पढ़ा था। And then you will start with the first part of Companies Act 2013. यहां पर आप पढ़ोगे features of company, the essential elements of company, and you will also study lifting of corporate veil, one very very important concept for exam. अच्छा, इसमें जो circumstances है जहां पर corporate veil can be lifted is वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। यहां पर बहुत सारे केस लॉज हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं एंड एग्जाम में सिर्फ नाम लिखना है। देन ऑन 27 अक्टूबर, दैट इज संडे। शालिनी, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, कुछ अर्जेंट काम है क्या? हाँ दीदी, मैं संडे को नहीं आ रही। क्यों? दिवाली की पूजा की तैयारी करनी है। संडे दिवाली है क्या? हाँ संडे दिवाली है। अच्छा ठीक है, फिर मत आना। ठीक है, चलो, थैंक यू। संडे दिवाली है? अरे मुझे तो याद ही नहीं था, उस दिन तो आप भी पढ़ाई नहीं करोगे ना। चलो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं संडे। सो लेट अस एंजॉय दिवाली एंड नो स्टडिंग लॉ ऑन दैट डे। हाँ लेकिन 28th को छुट्टी नहीं है, 28th को पढ़ना है। सो ऑन 28 अक्टूबर, दैट इज मंडे। अरे भाई, हॉलीडे मोड से वापस आ जाओ। 28 अक्टूबर को वी विल स्टडी, वी विल रिवाइज द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड केस लॉस। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ कंपनीज, एंड क्लासेस ऑफ कंपनीज आप 3 दिन तक पढ़ोगे। मैंने उसको बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, बिकॉज एवरी क्लास, एवरी टाइप ऑफ कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो यहां पर ऑन 28 अक्टूबर यू विल स्टडी ओनली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, जहां पर आएगा आपका पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। देखो, वो दिन पे मैंने कुछ ज्यादा रखा नहीं है, बिकॉज आई नो सब दिवाली मोड में रहेंगे, तो लेकिन फिर भी 2-3 घंटे में ये सब हो जाएगा। देन ऑन 29 अक्टूबर, दैट इज ट्यूजडे, यू विल फर्स्ट रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। देन यू विल स्टडी क्लासेस ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एंड कंट्रोल। तो यहां पर बाकी सारे क्लासेस ऑफ कंपनीज आ जाएंगे। ऑन 30 अक्टूबर, वेडनेसडे, यू विल फर्स्ट रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एंड कंट्रोल। और फिर पता है आपको, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है, लाइक सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स फिर आप 30 अक्टूबर को कवर कर सकते हो। सो यहां पर यू विल स्टडी अदर क्लासेस ऑफ कंपनीज विच इंक्लूड्स सेक्शन 8 कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, निधि कंपनी। अच्छा, वेडनेसडे को भी ये जो टाइप्स ऑफ कंपनीज रह गए हैं वो बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है, तो जो भी आपका कैरी फॉरवर्ड है, जो भी आप प्रीवियस डे पे नहीं कर पाए हो, एंश्योर कि वेडनेसडे तक आपका ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है? सो डोंट कीप एनी बैकलॉग आफ्टर 30 अक्टूबर। देन ऑन 31 अक्टूबर, दैट इज थर्सडे, यू विल रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडीड। जो भी क्लास ऑफ कंपनीज में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो आप सब रिवाइज करो, एंड यू विल स्टडी मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के जितने भी स्टेप्स हैं आपको वो एज इट इज स्टडी करने हैं. देन ऑन 1st November फ्राइडे यू विल एज यूजुअल रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड ऑन थर्सडे. तो हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ रहे थे तो वो रिवाइज करेंगे. एंड यू विल स्टडी शेयर्स एंड शेयर कैपिटल. देखो ये पार्ट भी बहुत छोटा सा है. तो जो भी आपका बैकलॉग है, कंपनीज एक्ट का बैकलॉग है, वो आप फ्राइडे को फिर से कवर कर सकते हो. तो मैंने आपको बहुत सारे दिन दिए हैं बैकलॉग कंप्लीट करने के. देखो मैं भी जानती हूँ कि कंपनीज एक्ट पढ़ना, उसे वैसे ही रिकॉल करना, वो थोड़ा टाइम लगता है. दैट इज़ वाई आई हैव गिवन यू सफिशेंट टाइम टू स्टडी कंपनीज एक्ट. ठीक है, तो प्लीज डरना मत. जो भी स्पिल ओवर है वो आप नेक्स्ट डे पे कंप्लीट करना, बट एंश्योर कि आप 1st November तक सब कुछ कंप्लीट कर लो. ओके okay?